वेल हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास टेंथ का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बोर्ड में बहुत इजीली मार्क्स देके चला जाता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लाइक अदर्स चैप्टर में, रियल लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में वैसा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वगैरह में, फिर हो गया आपका मेंसुरेशन में, वहाँ बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट ये एक ऐसा चैप्टर है जो कम प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे के चला जाता है, और आपको पता भी चल जाएगा कि भाई बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो क्लास नाइन्थ के पहले ही लेक्चर में मैंने डाल दिया, अगर आपको रियल नंबर के बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और क्लास नाइन का पहला वीडियो देख लो, जिसमें रियल नंबर का फुल डिटेल है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि रियल नंबर बराबर होता है, रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, ओके। और आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो अलग होता है। लेकिन आपका कोई पूछे आपसे कि भाई रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर बराबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग जो एक्चुअली पढ़ना है, हमें लेमा पढ़ना है और एल्गोरिदम पढ़ना है। लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसे कोई मैथमेटिशियन क्या किए हैं, पहले प्रूव कर चुके हैं, और उसके हेल्प से आप कोई दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। और एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक स्टेप वाइज सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आप घर बना रहे हैं, और घर बना रहे तो सबसे पहले क्या बनाइएगा, आप पहले पिलर्स को बनाइएंगे, फिर क्या बनाइएगा, आपका वॉल्स बनेगा, उसके बाद छत बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले ही छत बना देंगे, चलो छत अब मेरा हवा में लटक रहा है। नहीं, इसका स्टेप होता है कि पहले पिलर, फिर दीवार, फिर छत। तो इस पर्टिकुलर स्टेप को ही फॉलो करके ये पूरा घर बनता है। तो इसी पूरे स्टेप्स को, मतलब घर बनाने का जो स्टेप दिया, वो कौन दिया? एल्गोरिदम। देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा, इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स है विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब क्या कि इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, ओके। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है? तो जानो पहले होता क्या है। मान लो कोई भी दो इंटीजर लिए, ए और बी, ठीक है? तो लिखा हुआ क्या है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। क्या है भाई, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या लिख दिए, ठीक है? तो देखो, बचपन में हम लोग डिवीजन करते थे, है कुछ नहीं, जस्ट आप पढ़े हुए हैं, ये सारा चीज आप पढ़े हुए हैं, बट उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैं बता रहा हूं कैसे पढ़े हैं। चलो देखो, मान लो 10 लिए, क्या लिए, 10, और 10 को आप डिवाइड कर दो 4 से। चलो भाई, हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आया, 4 टू ज 8, कितना आया रिमाइंडर, 2। अब तो कटेगा नहीं, 10 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ दिए। चलो कुछ और देखते हैं, देखते हैं ये सब जगह काम करता है या नहीं करता, कि ऐसे ही बोल दे रहे हैं। मान लो आप लिए 25, और 25 को आप 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 6 4 जा 24, क्या है आपका रिमाइंडर 1 है। मतलब क्या, 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 4 प्लस 1। अब क्या देखो, बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीच वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। लो मैं पूरा लिख देता हूं, डिविडेंड। ये आपका क्या है, ये है आपका डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं। ये क्या है आपका कोसेंट, और ये क्या है रिमाइंडर। तो देखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आया क्या। यहां भी देखो, 25 बराबर 6 इंटू 4 प्लस 1, 25 क्या है आपका, 25 क्या है डिविडेंड, 6 क्या है डिवाइजर, 4 क्या है कोसेंट, और एक 1 क्या है रिमाइंडर। तो अगेन देखो, डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज प्रूफ हो रहा है क्या, देखो तो बोलो हाँ। तो भाई ये चीज प्रूफ हो रहा है। अब यही यूक्लिड डिविजन लेमा है, ए आपका यहाँ क्या काम कर रहा है, डिविडेंड का, आपका बी काम क्या कर रहा है, डिवाइजर का, क्यू क्या काम कर रहा, कोसेंट का, और आर क्या काम कर रहा,
रिमाइंडर का, क्लियर है? तो बेसिकली आप पहले ही पढ़े हैं कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है? और इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी बोल दूँ, मान लो आप 100 ले लें, चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, चलो 90 ले लेते हैं, बोलोगे 100 अपना हमेशा ना है, 5 से क्यों, कुछ और लेते हैं लाइक चलो 48 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं यहाँ सूट रहा, मतलब सब पे सूट होना चाहिए। तो 15 3 45 क्या गया रिमाइंडर, अगेन 3 आ गया, देखो 15 × 3 + 3 कर दो आपका 48 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगेन ये प्रूफ होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर। बोलेंगे वाह सर ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये क्या लिख दिए हैं कि r इक्वल टू लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है? तो पहले कंपेयर सीखो, a आपका डिविडेंड है, b आपका डिवाइजर है, q आपका कोसेंट है और r रिमाइंडर, पहले इसको इसे कोरिलेट कर लिए, क्लियर है? मैं फिर से भी लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, एक मिनट देखो, अगेन यहाँ में लिख दे रहा हूँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका q हो गया और ये आपका r हो गया। अब बोलोगे सर ये बताइए कि ये क्या है, r जो होगा लेस देन b होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो r क्या है, r हमारा रिमाइंडर है, b क्या है, b क्या है भाई देखें, अच्छा डिवाइजर है, b क्या है आपका डिवाइजर है। तो बोला गया है कि जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। फिर से बता रहा हूँ, r क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर किससे छोटा होगा, b से, b क्या है हमारा, b क्या है भाई देखें, डिवाइजर है, तो हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। देयरफॉर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं क्या, क्यों ऐसा बोले हम, ऐसा बोलने के पीछे कुछ तो रीजन होगा कि ऐसे ही बोल दिए। तो देखो क्या है, मान लो चलो मान लो, ठीक है, सबको भी मानना है, फिर बाद में प्रूव हो जाएगा वो। मान लो कि हम 6 से सबसे पहले 24 को डिवाइड किए, तो आराम से आ जाएगा 6 × 4 = 24, रिमाइंडर कितना आया, 0, 0, 0 ये कट जाएगा, 0 आएगा। चलो 25 लेते हैं, 6 × 4 = अगेन सेम चीज आएगा 24, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 26 लेते हैं, 6 × 4 = 24, रिमाइंडर क्या आएगा 2। अगेन 26 लेते हैं, सॉरी 27 लेते हैं डिविडेंड की जगह, 6 से डिवाइड देते हैं, बोले क्या कर रहे हैं सर, देखो 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 दो मिनट रुक जाओ। 28 लेते हैं 6 से 4 बार में 24, 29 लेते हैं 6 बार में 6 × 4 = 24, अगेन रिमाइंडर 5, और 30 लेते हैं 6 बार में 5 बार में आराम से कट जाएगा रिमाइंडर 0। तो तुम देखो कि अगर हम कोई नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, अगेन 0 आएगा। मतलब क्या कि आपका रिमाइंडर ऑलवेज 6 से कम होगा। इसका मतलब ये बता रहा, आप कभी चेक कर लेना कि अगर किसी नंबर को हम 6 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर हमारा डिविजर क्या हो, 6 हो, लो मैं लिख दे रहा हूँ, इफ डिवाइजर अगर मान लो 6 होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 1 2 3 4 5, ये दिख रहा क्या विजय, देखो तो दिख रहा। चलो अगर डिवाइजर हमारा मान लो कि डिवाइजर हमारा क्या हो, 4 हो, डिवाइजर क्या हो 4 हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 1 2 3। मतलब कि क्या कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होगा। अगर मान लो आपका डिवाइजर क्या हो, 10 हो, तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आपका डिवाइजर 8 हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7, आप चेक कर लेना, आप कोई भी नंबर डिवाइजर ले लेना और किसी भी नंबर से डिवाइड कर देना, मान लो आप 50 ले लिए और 50 से आप, या मान लो आप कोई डिवाइजर की जगह मान लो 5 ले लिए, अब 5 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा आपका रिमाइंडर क्या होगा, 5 से कम होगा, मतलब 0 1 2 3 4, क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? चलो
तो अब आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा b से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो से। आप कोई भी डिवीजर उठा के देख लेना। आप क्या करना घर में प्रैक्टिस के लिए, आप मान लो कि आप 10 लिए, ठीक है, डिवाइजर की जगह 10 लिए, अब सब बहुत सारा नंबर लेना, उसको 10 से डिवाइड करना, तो आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 से लेके 9 तक मिलेगा, हमेशा 10 से छोटा होगा। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 10 से छोटा होगा। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा आपका डिवाइजर से छोटा होगा। देखो इसलिए यहाँ लिखा गया कि ए मान लो डिविडेंट है, बी क्या है आपका डिवाइजर है, क्यू क्या है आपका कोसेंट है, और आर क्या है रिमाइंडर है। तो बी जो होगा, सॉरी हाँ, बी क्या है आपका डिवाइजर और आर क्या है रिमाइंडर, तो आपका जो आर होगा वो ऑलवेज बी से छोटा होगा। देखो आर इज बी लेस देन बी, और जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि किसी नंबर को एक से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। देखो क्या किए, मान लो आप किसी नंबर को डिवाइजर आपका है कि सबको नंबर को एक से डिवाइड करो, तो देख तुमको पता होगा मैक्सिमम नंबर एक से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, जीरो, ठीक है, एक से छोटा होगा। तो ये आई थिंक ये क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने शब्दों में। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग SCF निकालना सीखेंगे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो हम लोग क्या करेंगे, NCERT का जो मैं करवाऊंगा, NCERT का सारा एग्जांपल, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं, NCERT का एग्जांपल छोड़ते हैं, पता चला क्वेश्चन एग्जांपल से भी आ गया। तो NCERT एक ऐसा बुक है जो सारे बुक का निचोड़ है, मतलब आप RDSR मिला लो, RSR मिला लो, और जितने भी है चांद वगैरह जितने भी मैथमेटिक्स के बुक है सबका अगर आप निचोड़ निकालोगे तो उसका जो आत्मा से जो बुक निकलेगा वो क्या है आपका NCERT है। तो पहले मैं क्या करूँगा, NCERT का जितने एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज दोनों कराऊंगा, उसके बाद अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको मिलता है लाइक जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए, तो वैसा क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो RS अग्रवाल से हो चाहे वो RD शर्मा से हो, लेकिन पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मैं क्या करूँगा, NCERT कराऊंगा। तो NCERT का पहला क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ये मैंने छोटा इसलिए लिखा ताकि आपके सबके पास बुक तो होगा ही, तो देख लो। यहाँ बोला कि यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द SCF 4052 एंड 12576। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे SCF फाइंड करते हैं और एल्गोरिदम कैसे यूज करेंगे हम लोग। चलो मान लो हम लोग लेते हैं SCF फाइंड करते हैं, क्या नंबर ले, मान लो 20 और 55, 20 और 55 का SCF फाइंड करना है इसका यूज करके। तो मैं इसे एज ए रफ में बता रहा हूँ, उसके बाद इस पे जैसा लिखना है प्रेजेंटेशन करना है वैसा वो भी बताऊँगा, और उसके बाद कैसे सॉल्व करना वो भी बताऊँगा। तो फाइंड द SCF ऑफ, चलो एग्जांपल लेता हूँ कि 20 और 55 का हमको SCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले 20 छोटा है तो ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, और 55 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका डिविडेंट हो जाएगा। हमेशा छोटा वाला आपका डिवाइजर लिखना है और बड़ा वाला डिविडेंट। अब 20 से कितना बार हम जाएगा, 22 जा 40, कितना LCM आया, सॉरी कितना बचा आपका, 15 बचा, 15 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 50। अब रिमाइंडर कैसे छोटा है, तो अब हम देखो 55 हमको पता है यूक्लिड में A इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो A आपका क्या है 55, B की जगह क्या है 20, Q की जगह क्या है 2, प्लस रिमाइंडर कितना है लिख दिए। और ये प्रोसेस तब तक चलेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये क्या हो गया पहला स्टेप। अब देखो जो अब रिमाइंडर आ गया वो आपके लिए डिवाइजर बन जाएगा, और यहाँ जो डिवाइजर है वो यहाँ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये उठा यहाँ से उठ के यहाँ चला आया। फिर से बता रहा हूँ, देखो पहले जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो 20 बचा मतलब जो पहले का डिवाइजर था ये उठ के बीच में आ जाएगा। अब देखो 15 से 15 बन जा 15, रिमाइंडर क्या बचा 5। अब देखो हम क्या करते हैं 20 को लिख सकते हैं डिविडेंट इजकल टू डिवाइजर इन टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंट इजकल टू डिवाइजर इन टू कोसेंट प्लस, सॉरी यहाँ 15 होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो गया। अगेन देखे रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अगेन देखिए पांच, अब ये पांच क्या काम करेगा आपका
डिवाइजर काम करेगा, और यहाँ वाला जो 15 है ये उठ के अब यहाँ आ जाएगा, ये नहीं आएगा, अब ये आएगा, अब ये 15 उठ के यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो 5 3 15 क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब देखो जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ तो यहाँ पे आपका सवाल क्या होता, खत्म हो जाता है। 20 लिख दिए, 55 लिख दिए, क्या बचा, अभी ये बचा, ये लिख दिए, ये लिख दिए और ये बचा। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 + 0, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया ना, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया उसका जो डिवाइजर है वो आपका क्या है, इसका HCF है। तो इस 15 के लिए डिवाइजर कौन है, ये आपका 5 है। तो 5 क्या हो गया, HCF, HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये बड़ा से बड़ा नंबर होता है जिसके टेबल में ये और ये दोनों आ जाए, क्लियर है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं जो आपका एग्जाम्पल्स है, यहाँ मैं लैंग्वेज भी लिखूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो ये जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल था, इसका HCF क्या आ गया, देखो लास्ट वाला, यहाँ जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका जो डिवाइजर है वहीं आपका HCF होगा। तो अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल्स पर, चलो देखते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। चलो तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा चीज है, बहुत सारे बच्चों क्या होता आता है लेकिन प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। तो भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 4 मिल जाता, बनाया सही है लेकिन रिप्रेजेंट सही से नहीं किया, कहीं लैंग्वेज नहीं लिखा है, कुछ किया नहीं है, तो 5 का है तो भाई इसको 4 या 3 मिल जाता है। तो अगर आप रिप्रेजेंट भी ढंग से कीजिएगा तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब बहुत सर हमको आता है, हम बता दिए आंसर आ गया, भाई आंसर आने से नहीं आएगा, आंसर तो HCF का ऐसे ही 5 आ जाता, तो फिर इसका एल्गोरिथम का यूज़ क्यों करते हैं। मान लो अभी जो क्वेश्चन दिए हैं और उसका HCF फाइंड करना था, वो ऐसे ही आपका 5 आ जाता, दूसरा मेथड से भी हम 5 कर सकते थे, वो ला दिया भाई हाँ कि मेरा HCF आ गया, फिर मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मेथड यूज़ करने बोला है। तो प्रेजेंटेशन अच्छे से कॉपी में लिखना वो भी ज़रूरी है, और वो मैं खुद सिखाऊंगा। ओके देखो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एग्जाम्पल पहला है, सबके पास बुक होना चाहिए। चलो बोला यूज़ यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ ये और ये, देखो लिखते कैसे हैं। सिंस 4052 इज ग्रेटर देन 12576, therefore using Euclid algorithm 4052 is divisor and 12576 is divisor डेंट। अब ये एक बार लिखते तो बार बार लिखेंगे सेम, अब उसके बाद डायरेक्ट करेंगे, अब बार बार भी लिखोगे तो गलती नहीं होगा, थोड़ा बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये नंबर, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, 12576 इज ग्रेटर देन 4552, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्लिट्स एल्गोरिथम, आप ये लिख सकते हो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर, छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा डिवाइजर, और ये बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से खेल स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कहाँ गया भाई, चलो तो 4052 और यहाँ हो जाएगा 12576, चलो तो कितने बार में जाएगा 4500 और यहाँ 12576, 3 बार में लगाओ। तो देखो नहीं हो तो साइड में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 बार में लगाते हैं तो कितना आया, देखो 3 2 6, 3 5 15, 1 3 0 1 और 3 4 2 1, चलो यहाँ तक आया क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे, देखते हैं कितना आता है, सेम हो जाएगा 0 2 4 0 0, तो कितना आया 420, इसको काट दो तो कितना है आपका 420, तो रिमाइंडर कितना बचा 420। अगेन देखो
12,576 क्या है आपका डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये आपका कोसेंट और ये रिमाइंडर। तो अगेन यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, जैसे क्या ये आपका बी क्यू प्लस आर है ना, तो ए की जगह आपका क्या है 12576 इज इक्वल टू ये डिविडेंड डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 4052 इंटू कोसेंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है आपका 420। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए तब तक हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। क्या यहाँ रिमाइंडर जीरो आया, क्या यहाँ रिमाइंडर जीरो आया, नहीं आया। तो अब हम लोग आगे करेंगे। तो अब देखो ये आपका डिवाइजर का काम करेगा और ये आपका क्या काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। तो लो चलो कर दिए और ये नंबर यहाँ आ जाएगा 4। कितना बार में लगेगा, अगर आप 10 बार में लगाते हो तो 4200 हो जाएगा। तो 10 बार में तो लगेगा, हमको लगता है 9 बार में चला जाएगा। तो चलो 9 बार लगा के देखते हैं, 0 18 के 8 5 1 36 37 क्या सही बना रहे हम, ठीक है 0 9 2 18 8 36 ठीक है 27 चलो ठीक। तो यहाँ 2 आया घटाओ, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 9 में 7 जाएगा 2। तो अब अगेन देखो, जैसे रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं बचा, इसको यहाँ कर दिया। अब देखो अगेन सिमिलरली अब देखो यहाँ अगेन तुम लिखोगे सिंस 42 मैं 42 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्या है आपका अच्छा से 4052 इज ग्रेटर देन 420 एज देयरफॉर ये आपका क्या काम करेगा, ये डिवाइजर होगा और ये डिविडेंड होगा। तो 42 इज डिवाइजर एंड 4052 इज डिविडेंड। और यहाँ आप लिख दोगे यहाँ पे इससे ऊपर ये रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो सिंस यहां आप लिख सकते हो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 420 और ये जीरो नहीं आएगा तब तक चलेंगे जब तक यहां पे रिमाइंडर जीरो आया वहां छोड़ देंगे। क्या यहां रिमाइंडर, तो आप देखो देयरफॉर 4052 इज इक्वल टू डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्या आएगा आपका कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो यहां तक क्लियर है, सेम चीज लिखे हैं डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। शुरू से बता रहा हूं क्या बोला मैंने, हम लोग निकालना है 4052 और 12576 का एचसीएफ। मैंने क्या किया, हम लोग यूक्लिड थ्योरम को यूज किए हैं और हम बोले कि ये वाला नंबर बड़ा है ये छोटा है, जो छोटा है उसको क्या मानेंगे डिवाइजर और जो बड़ा है उसको डिविडेंट। अब हमको पता है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो हम लोग यूज किए यूक्लिड का और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब देखो ए की जगह क्या आएगा 12576, क्यों, क्योंकि ये डिविडेंट है, ये आपका डिवाइजर है, ये कोसेंट है, रिमाइंडर मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। अगेन देखो ये तुम्हारा रिमाइंडर बचा, तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, हम मैंने क्या बोला जब रिमाइंडर जीरो होगा तब छोड़ेंगे, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो यहाँ वाला जो डिवाइजर है यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग 9 बार में लिए 272 आ गया आपका रिमाइंडर। अगेन देखो फिर सेम प्रोसेस, अब ये 272 है ये यहाँ पे 420 आ जाएगा। तो चलो 420 कितने बार में जाएगा, तो हमको लगता है 1 बार में जाएगा। चलो तो 272 माइनस किए कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आपका, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 11 में 7 जाएगा आपका 4 और 3 में से 1 जाएगा 148। अगेन क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, यहाँ तक किए थे। चलो अभी से लिख कहाँ दिया जाए, चलो यहाँ लिखता हूँ, देखो तो विजय इसके नीचे दिख रहा क्या, यहाँ तक दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा, ये दिख रहा। चलो तो अगेन देखो लिखेंगे सिमिलरली क्या आ गया रिमाइंडर, चल यहाँ पहले इसमें लिख दो रिमाइंडर क्या आ गया 272 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, देयरफॉर अगेन अब इसके लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे
कि 2 से फिर मैं छोड़ लिख रहा हूँ 420 इज ग्रेटर देन 274 देयरफॉर 272 क्या आ जाएगा 272 इज डिवाइजर एंड 420 इज डिविडेंड देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आगे देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या जीरो आया नहीं आया तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 148 इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया। अब रिमाइंडर जीरो नहीं आया अगेन क्या होगा ये आपका आ जाएगा डिवाइजर ये 272 यहाँ आ जाएगा। कितना बार में जाएगा एक बार में चला जाएगा हाँ चला जाएगा क्योंकि दो बार प्लस हो जाएगा। एक बार में लिए 148 कितना जाएगा माइनस करेंगे 12 में से 8 जाएगा 4 उसके बाद 12 चला गया आपका यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2 खत्म। क्लियर है तो अगेन क्या आया रिमाइंडर जीरो आया नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँगा सेम चीज़ अब ये सेम चीज़ को यहाँ लिखूँगा सम चीज़ अगेन ये बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है रिमाइंडर जीरो नहीं आया फिर आया करेंगे तो मैं पहले इसको कर देता हूँ चल लिख ही देता हूँ चलो अगेन अगेन एंड अगेन क्या आया भाई तो 272 इज ग्रेटर देन 148 देयरफॉर 148 इज डिविडेंड सॉरी 140 इज डिवाइजर होगा 148 एंड 272 इज डिविडेंड देयरफॉर डिविडेंड कितना है 272 बराबर कितना हो जाएगा डिवाइजर 148 बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आ रहा प्लस 24। तो यहाँ तक नोट कीजिए अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है देखो 24 रिमाइंडर आया अब अगेन ये आपका यहाँ आ जाएगा 24 यहाँ पे 124 होगा क्यों 12 में से 8 जाएगा 4 7 में से 4 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 124 होगा ठीक है तो यहाँ पे कहीं पे मैंने गलती किया है 124 सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है 124 तो ये आपका आ गया क्या रिमाइंडर। अगेन देखो 124 आया रिमाइंडर जीरो नहीं आया ये उठ के यहाँ आ जाएगा 148 अगेन देखो एक बार में जाएगा कितना जाएगा 124 आपका आ जाएगा 424 आ गया रिमाइंडर। सेम चीज़ को अगेन लिखेंगे तो पहले आप इसको नोट कीजिए उसके बाद पॉज करके नोट कर लीजिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ कहाँ मिटा दूँ चलो मैं यहाँ मिटा देता हूँ एक लाइन और लिखना है इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ ठीक है एक प्रोसेस अब सेम इसको यहाँ पे लिखना है क्या लिखना है सेंस ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ और थोड़ा नीचे यहाँ पे दिख रहा है ये दिख रहा है चलो अगेन क्या है तो क्या बोलूँगा 148 इज ग्रेटर देन अगेन 140 इज ग्रेटर देन 124 अब ये वाला लाइन फिर से लिख लीजिएगा देयरफॉर ये आपका डिवाइजर हो जाएगा ये डिविडेंड हो जाएगा तो ये लाइन लिख लीजिएगा देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस 24 तो ये आ गया। अब अगेन फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 24 क्या काम करेगा आपका डिवाइजर का और ये क्या करेगा आपका डिविडेंड का तो 24 से काटेंगे 124 देखो कितना आएगा तो अगर आप इसको पांच बार में लेते हैं तो पांच बार में कितना जाएगा 20 और 10 और एक बार 120 जाएगा पांच बार नीचे जाएगा 5 4 20 दो बचा 5 2 10 2 12 कितना बचा रिमाइंडर कितना आया 4 तो देखो फिर सेम चीज ले रहे हैं अगेन क्या लिखेंगे 124 इज ग्रेटर देन 124 इज ग्रेटर देन क्या था 24 था ना हाँ 24 देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना आया 4। फिर से देखो ये लिख लेना कि 124 बड़ा है ये छोटा है, तो ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंट हो जाएगा, और डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। थोड़ा सा लंबा जा रहा है बट क्या करें, लिखना है, लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। ये मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा पहले से, लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं देने वाले हैं। हाँ, अगर दो तीन मार्क्स में आएगा तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये स्टेप लिख लेना। अगर दो या थ्री मार्क्स का आएगा तो डायरेक्टली लिख लेना। तो देखो अगेन फिर लिखेंगे, सिमिलरली लिख लो अगेन, चाहे अगेन मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपका रिमाइंडर, क्या आया, जीरो नहीं आया, लो 24 से ले लिए, 4 4 जा 24, भाई यहाँ आया, ये तो मरा दिया पूरा, सॉरी 4 6 जा 24। तो क्या लिखेंगे, सेम चीज, क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो हमारा 24 है वो बड़ा है किससे, 4 से, therefore 4 is, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ लास्ट वाला, डिवाइजर एंड 24 इज डिविडेंड, therefore इसको एक ही लाइन में कर देना, therefore डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फाइनली वाला आया, देखो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, बहुत मेहनत लगा इसमें, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। और मैंने क्या बोला था कि जहां रिमाइंडर जीरो आएगा उसका जो डिवाइजर होगा वही आपका एससीएफ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या तुम्हारा एससीएफ आ जाएगा 4, क्यों, क्योंकि जहां रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर जीरो आया है ना, तो यहाँ रिमाइंडर जीरो आया तो इसका आपका डिवाइजर क्या है 4 है, देयरफॉर एससीएफ, मैं तो क्वेश्चन ही भुला गया, एससीएफ किसे था 4502 और 12576 कितना है 4 है, बताओ इतना बड़ा नंबर है और एससीएफ क्या है 4 है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, नोट डाउन करो फटक से। तो हमको लगता नहीं कि कहीं प्रॉब्लम आएगा, सेम चीज़ है, कुछ नहीं करें हैं, तो वो जो छोटा वाला क्वेश्चन करवाए थे ना उस पर करना, छोटा छोटा क्वेश्चन एससीएफ निकालना बहुत ईजी समझ है, ये काफ़ी लेंदी गया, तो इसको नोट डाउन करो। वेल ठीक है, तो आज एग्जांपल 1 हुआ, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जांपल 1 हो गया है, एग्जांपल आपका 2 बचा हुआ है, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल और बचा हुआ है, और आपका 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो तीनों एग्जांपल करेंगे और 5 क्वेश्चन करेंगे। बट आपका वर्क ये है कि आप एक्सरसाइज 1.1 का जो एससीएफ निकालना है, जहाँ जहाँ एससीएफ निकालना है वो एससीएफ निकाल देना, और उसके बाद जहाँ से प्रैक्टिस करना होगा, आप आर एस अग्रवाल रखो गुड, आपका आर डी शर्मा है गुड, देखो आर एस अग्रवाल एक प्रैक्टिस बुक जरूर रखो, क्वेश्चन कहीं भी समझ में नहीं आए कमेंट में बोले दो कि सर ये वाला पार्ट हमको समझ में नहीं आया, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को सेंड कर दो, हम लोग का नंबर तो आपके पास होगा ही, ठीक है, अगर नंबर नहीं होगा तो मेल कर दो, मेल नहीं होगा तो वहाँ कमेंट में लिख दो कि सर ये वाला क्वेश्चन आर डी शर्मा का ये बता दीजिए हम लोग को, तो हम लोग बता देंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस किया आर डी शर्मा और अग्रवाल कोई एक रेफरेंस बुक रखो, और लेकिन एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पहले देना, पहले एनसीईआरटी खत्म करो फिर उसको खत्म करो, और उसके बाद जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, क्लियर है। तो मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।